We are talking about the singular points, and within singular points we have isolated singular points, and then we have isolated singular points. These isolated singular points are further classified as removable singular point then we have pole, and then we have essential singularity. So this classification is validated by the results that we have been doing. First, there's Riemann's theorem on removable singularity says that a function is bounded near a removable singularity, whereas at pole the function is not bound. The function, in case of pole, the limit of the function at that point tends to infinity as z tends to that particular singularity, and in case of removable singularity, the function remains bounded in neighborhood of that singular point. So both these behaviors are different. In case of removable singularity, and in case of pole also. Now, today we have a result about which will explain the behavior of the function in the neighborhood of essential singularity, and this result is famously known by a name of Kasorati Weierstrass theorem. So what this theorem says that suppose that Z naught is an essential singularity of f, is an essential singularity of a function f, then for each complex number there is a sequence of complex numbers, and this sequence is such that this sequence converges to this essential singularity Z naught, and its corresponding sequence of images Zn converges to W naught. ये है क्या कैसोरति वोयेरस्ट्रास थ्योरम. इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें, व्हाट यू से के यू हैव समवेयर Z naught, आपके पास एक सीक्वेंस है, एक पॉइंट है जहां पर आपके पास फंक्शन की एसेंशियल सिंगुलरिटी है, एंड देन यू टेक आर्बिट्ररी पॉइंट इन द डब्ल्यू प्लेन, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आर्बिट्ररी पॉइंट यू विल हैव अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू दिस जेड नॉट, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ इमेजेस विल कन्वर्ज टू डब्ल्यू नॉट. And similarly, if you choose another point, if you choose somewhere another point W1, still you will have another sequence, and the sequence will converge to Z naught. And the image of that sequence will converge to W1. So, har ek point ke liye ye possible hai. तो इससे देखिएगा, अब आपके पास सारी की डोमेन Z प्लेन के अंदर तो आपके पास सारी की सारी सीक्वेंसेस आपको मिल रही हैं, वो एक पॉइंट को ही कन्वर्ट कर रही है, सारी की सारी सीक्वेंसेस Z नॉट को कन्वर्ट कर रही है, समथिंग Tn जो भी सीक्वेंस है वो भी Z नॉट को कन्वर्ट कर रही है. वेयर एज इसकी जो इमेजेस की सीक्वेंस है f ऑफ Zn, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रही है, W नॉट को कन्वर्ट कर रही होगी, f of tn जो सीक्वेंस दूसरी कोई होगी वो किसी w1 को. तो इनडीड आपके पास, आप इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हो कि w प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट है
और जब ये सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती है, व्हेन वी से दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू देयर नॉट, दैट मींस सीक्वेंस के मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम नहीं, इवेंचुअली वो सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर नेबरहुड में लाई करती है देयर नॉट के, तो इस एक नेबरहुड के अंदर कोई भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स की जो इमेजेस हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट के नेबरहुड में जा रही है, क्योंकि वो उनके उनकी इमेजेस जो है वो किसी न किसी पॉइंट के को कन्वर्ज कर रही होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डब्ल्यू प्लेन में, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस जेड नॉट का नेबरहुड अप्रोक्सीमेट करता है। या अगर आप ये देखें कि ये पर्टिकुलर नेबरहुड है, तो इस पर्टिकुलर नेबरहुड की जो इमेज होगी अंडर एफ, तो ये पूरी की पूरी इमेज जो है, ये पूरी की पूरी इमेज तकरीबन तकरीबन पूरी सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट थिंग टू से, बट इनडीड वी विल सी इन सम, मे बी नॉट इन दिस सेमेस्टर, इन नेक्स्ट सेमेस्टर के एसेंशियल सिंगुलरिटी के नेबरहुड में ये जो इमेज है ये सी माइनस एट मोस्ट एक पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज पिकार्ड्स बिग थ्योरम। एंड ऑल्सो वी विल डू अ पिकार्ड लिटिल थ्योरम, बट वो अलग है, वो उससे कैसा रिवर्स स्ट्रास थ्योरम का फिर कोई उतना रहेगा नहीं, बट बाई द टाइम बींग अभी ये बिहेवियर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी गोइंग टू राइट दिस प्रूफ। व्हाट वी हैव टू डू, के हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू नॉट इन डब्ल्यू प्लेन, वी हैव टू प्रूव दैट देयर इज अ सीक्वेंस इन द जेड प्लेन, so that the image, that sequence converges to that essential singularity Z naught, and the image of the corresponding, the corresponding sequence of images converges to that particular number. But how we will proceed, we will argue this in a contrapositive way. And what is the contrapositive? Contrapositive of this is that assume, let me change the color. Assume that there is a complex number W naught in C, and it is good, why to write complex W naught in C, such that there is no such sequence, such sequence Zn converging to Z naught and its corresponding sequence converging to W naught. Suppose this thing doesn't hold. So then what happened? That means aapke paas, and that means in some neighborhood, let this neighborhood be denoted by N of Z naught, and for some positive number greater than zero, we have, क्योंकि कोई भी उसने Z naught के अराउंड कोई भी एलिमेंट जो है उसका इमेज W naught के को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो कोई भी उसके नजदीक नहीं जा रहा होगा, तो दैट मीन्स एवरी इमेज ऑफ एवरी पॉइंट इन दिस नेबरहुड इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम this W naught, so that certain distance I'm keeping as epsilon. Okay, this is the equation. Okay, agar aapke paas aisi situation nahi hai, to you will have this situation. Okay, now this is true in case of neighborhood N. Then let us look at this function. Agar ye function main define kar G as 1 upon F minus, so clearly, then clearly G is bounded near this is not in neighborhood, I have corrected it, that in some neighborhood, in some deleted neighborhood, क्योंकि Z naught पे तो ये डिफाइंड नहीं है ना, Z naught का एसेंशियल सिंगुलरिटी इन अ डिलीटेड नेबरहुड N ऑफ Z naught, तो सो देन दिस इज बाउंडेड इन N. हाउ इट इज बाउंडेड, लुक एट दिस थिंग, मॉड ऑफ Fz माइनस W naught इज बिगर देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन, सो मॉड ऑफ G Z इज गोइंग टू बी लेस देन आर इक्वल टू
less than 1 by epsilon. That is, you can see that mod of gz is less than or equal to 1 upon epsilon. So this is the bound for each z in, and this n is a Dirichlet neighborhood, because Dirichlet neighborhood of z naught. Dirichlet neighborhood means you don't have z naught in this n. This is bounded near z naught, even though z naught is a singularity of this g also, because it is a singularity of f. But since it is bounded, it is bounded in near z naught, in a neighborhood of z naught. So by Riemann's theorem, this z naught is a removable singularity. By Riemann's theorem of removable singularities, z naught is removable singularity. Of g, if it is a singularity of that, that means that is now g extends to be analytic. G extends to be analytic at z naught. Now g is analytic at z naught. So g analytic hai uspur neighborhood mein, z naught pe bhi analytic hai. So thus we can write g as, thus we can write g of z is equal to z minus z naught to power n h of z, ठीक है, near z naught. ठीक है, near z naught means in a neighborhood of z. अब ये देखिए, ये factorization कैसे लिख रहा हूं मैं, ये दो, क्योंकि you know के दो situations आपके पास होंगे. एक के अगर आपके पास दो, ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि दो सिचुएशन होंगी कि इफ अगर आपके पास g का z नॉट पे जीरो होगा तो ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. उस केस में n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यू नो दिस के जीरो होगा तो यू कैन फैक्टर पॉसिबल. बट अगर g का जीरो नहीं होगा तो उस केस में व्हाट वी विल डू, वी विल टेक n टू बी जीरो, सो दैट आपके पास z माइनस z नॉट वाला फैक्टर रहेगा, तो g z इक्वल टू h z. सो इन जनरल यू कैन राइट दिस वे. So better I will mention here, this is for some n greater than equal to 0. Okay, again I'm not definite n greater than equal to 1 over. Okay, so this happened. So now you have the following possibilities. Again I have to discuss, if n is equal to 0, then gz is equal to h of z. But I have to mention again, okay, once you write this factorization of g, then this h must be, h is analytic at z naught, and h at z naught is not equal to 0. So this is the condition. Now let's look at when n is equal to z, so g is z is equal to h implies 1 upon f minus w naught is equal to h. And so what it implies, it implies that 1 upon h is equal to f minus w naught. And look at h is not 0 at z naught, so 1 by h is analytic at z naught. If 1 by h is analytic at z naught, so will be w naught plus 1 upon h. W naught is a constant, so 1 by h analytic hai, so w naught bhi analytic hai, so some analytic over at z naught. तो ये हो जाएगा एनालिटिक एच जेड नॉट. अगर ये एनालिटिक जेड नॉट पे हो जाएगा, दैट मींस एफ एनालिटिक हो गया जेड नॉट पे, तो दैट मींस जेड नॉट रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन गई. जेड नॉट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ. बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन ना, क्योंकि बाय हाइपोथेसिस you are given that this z naught is an essential singularity, so this is a contradiction. This is not a situation that you will have this as a removable singularity. Now the other case is when n is a positive number. So what happens then if n is strictly greater than or is greater than or equal to 1? Then I can write this. This is f minus W naught. I can write. Let me write it
more explanation. Okay, then this is g of z is z minus z naught to power n. It is h of z, which implies that f of z minus w naught is equal to z minus z naught ka reciprocal minus power n ho jayega 1 upon h. Again, since h is not 0 at z naught, so h is analytic at z naught. And so now what it follows, it follows that f of z is equal to w naught ko right hand side shift karo, you can bring out this factor z minus z naught to power n, and under aap likhoge w naught into z minus z naught to power n plus 1 upon h. So jo andar factor hai bracket ke andar, so what is this thing? Look at this thing, this everything is analytic. और ये एनालिटिक है, तो ये एनालिटिक है तो डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ आ रहा है z माइनस z नॉट का पावर आ रहा है, और ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो है ये नॉन जीरो है z नॉट के, तो दिस सिग्निफाइज के ये आपके पास जो f है, तो f हैज अ पोल नाउ, क्योंकि ये फैक्टर 1 अपॉन z माइनस z नॉट का फैक्टर बाहर आ रहा है इसका, तो दिस शोज दैट f हैज अ पोल ऑफ, let's not mention other. Now it becomes a pole. Again, this is a contradiction because it is an essential singularity. Essential singularity cannot be a pole. Again, a contradiction. Again, a contradiction. So in every situation, you get a contradiction if you assume that the conclusion of this Kessler-Weierstrass theorem doesn't hold. Hence, the conclusion of the theorem must hold, and the theorem. So this is the simplest proof. Proof has no nothing, but its interpretation is a nice that in the neighborhood of an essential singularity, the this function f becomes close to arbitrarily close to every complex number in the complex plane. So do you need any explanation? Any question from your side? So I assume no question. Okay, then so we are going to do an interesting thing today. And what I'm going to do, I'm going to calculate some integrals from real and real numbers from real analysis by using the techniques of complex analysis. And for that, let me recall something. You remember that for a real function, what is an improper integral? Improper integrals. If you have a real function f, suppose that you have a function f from R to R, is a real function, and let us also assume that it is continuous. It is continuous. Okay, and then this integral minus infinity to infinity f of x dx, this is called improper integral. Improper integral. ठीक है, अभी integral आपके पास exist करता है या नहीं वो भी एक question होता है, and this इसका exist करने को आप बोलते हैं कि integral converge करता है. तो अगर आपके पास if ये limit r goes to infinity, integral minus r to 0 fx dx plus limit r goes to infinity 0 to r fx dx exists and is finite. Agar ye limits exist karti hain aur finite hai, so then we say that this integral exists, converges, this integral converges. ये आपके पास convergence की definition है, थोड़ा ध्यान से देखिए. तो एक और convergence की definition होती है, अगर आपके पास if
and j limit है, limit r goes to infinity minus r to r fx dx, अगर ये limit exist करती है, exist and is finite, so then the value, then its value is known as the Cauchy principle value. Cauchy principle value of this integral minus infinity to infinity fx dx. और इसका नोटेशन क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड एज पी डॉट वी इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू एफएक्स डीएक्स. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये कॉची प्रिंसिपल वैल्यू है ये डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम दिस वैल्यूज, ठीक है. दिस मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, बट यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आप ये फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, तो देन लुक एट दिस थिंग, देन लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सॉरी दिस इज माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स, अगर आप इसको कंप्यूट कीजिए, लुक एट दिस थिंग, लेट मी प्लेस एफ बाय एक्स, this is x dx, so this will be limit r to infinity, this will be x square by 2 minus r to r, so ye zero ho jayega, ye zero ho jayega, that means aapke paas principal value hai Cauchy x dx ki wo zero hai, to ye exist kar raha hai, ye integral converge nahi karta, ये क्यों नहीं कन्वर्ज करता, अगर आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के लिए आपके लिए आपके पास ये लिमिट्स जो हैं, लिमिट आर गोज टू इंफिनिटी माइनस आर टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स सॉरी माइनस आर टू जीरो प्लस दूसरी ये लिमिट आर गोज टू इंफिनिटी जीरो टू आर एक्स डी एक्स, ये लिमिट ये आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये फाइनाइट होनी चाहिए. लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें, आप देखें इसको, तो ये क्या वैल्यू आती है, इस इंटीग्रल का वैल्यू आता है आपके पास, इट विल बी व्हाट इट इज माइनस आर टू जीरो है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस आर टू जीरो प्लस इसका भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रल, इट विल बी जीरो टू आर, तो लिमिट भी आप लगाएंगे, ठीक है, लिमिट भी होगी आर गोज टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बट इट विल बी जीरो, अपर लिमिट इसकी जीरो होगी, माइनस आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है. सो लेट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप आई एम नॉट डन एनी computation here, and then it is plus I have committed some mistake here, I am just not able to compute this integral in proper way. So okay, I have to compute this. Sorry, I do not have to cancel limits को अलग अलग से compute करना है. Limit यहाँ देखनी है, limit यहाँ भी calculate करनी है, और limit यहाँ अलग अलग से calculate करनी है. तो ये limit अलग से compute करनी है. This is the point two plus limit. मैंने limit directly बाहर ली थी. Permissible here. It has to be r square by two plus zero. तो इन दोनों केसेस में देखिएगा, दोनों केस दोनों लिमिट्स जो हैं, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए. तो दोनों केसेस में लिमिट्स जो हैं ये इनफाइनाइट हैं, ये माइनस इनफिनिटी है, ये इनफिनिटी है. सो दीज लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो दैट मीन्स दिस इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी
एक्स डी एक्स जो है इट डज नॉट कन्वर्ज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करता है, इट डज नॉट कन्वर्ज इवन द इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, बट हाँ एक केस है जहां पर आपके पास अगर प्रिंसिपल वैल्यू एफ के पास एग्जिस्ट करती है तो आपसे इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है, वो केस है आपके पास कि अगर आपके पास एफ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो उस केस में अगर आपके पास इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो उस केस में आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू जो आपके पास इंटीग्रल की होगी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स हो जाती है, उसमें उस केस में आपने कोई इशू नहीं है कि उस केस में ये कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हम एक इवन फंक्शन लेंगे, तो उस इवन फंक्शन में हम एक इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल बाय यूजिंग दी टेक्निक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द रिमांड रेसिड्यू थ्योरम हम यूज करेंगे। तो ये इंटीग्रल कंप्यूट करना है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर है टू कंप्यूट दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो इसके इंटीग्रैंड है ये एक आपके पास इवन फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है तो आई कैन राइट दिस एज टू बी वन हाफ ऑफ नॉट आई कैन राइट इट एज नॉट वन हाफ आई हैव टू राइट दिस ट्वाइस ऑफ इट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी 2x square minus 1 x 4 minus plus 5x square plus 4 dx। ओके, ये आपके पास इसको लिख सकते हैं क्योंकि वन फंक्शन है तो आप 0 टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू 0 आपके पास इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहेगा। तो चलिए लेट अस कीप इट दिस वे एंड we have to compute this anyways. Okay, so how I'm going to compute this integral, I'm going to compute this integral with the following way. What I'm going to replace, I'm going to replace each x by z, the complex number z, so that I get a function f z as 2z square minus 1 upon z power 4 plus 5z square plus 4. Okay, this is the function. Now this is a rational function and now this has singularities at the points where this denominator is 0. And you see, we can write this factor of this denominator as z4 plus 5z square plus 4. I can write it as z square plus 1 into z square plus 4. This is a factorization. So then clearly it implies, and this is further factorized as z minus I, z square plus 1 ko aap kaise likh sakte hain, z plus I, z square plus 4, z square plus 4 ko aap likh sakte ho, z plus 2i into z minus 2i. So clearly, ये factorization है आपके पास, it has zeros at four points plus minus i and plus minus 2i. That means means this f has poles, but it has simple poles क्योंकि हर एक factor की power one है, तो f has simple poles at plus minus i and plus minus 2i. It has this thing. And elsewhere it is analytic. It is analytic and is analytic elsewhere. Baki kisi kahin par bhi ye iska koi singularity nahi hai. Sirf char points pe iska singularity aur elsewhere ye analytic function. So what I'm going to do now, look at this thing.
I will concentrate only on the upper half. It has singularity minus I or minus 2i pe bhi hai lower half plane mein. But let us look at only 2i. Then what is the procedure? I'm going to consider a domain which encloses these singularity. Ek semicircle consider karunga main. CR और आपके पास लेट दिस बी माइनस आर एंड दिस बी आर, क्योंकि सेंटर इस सेमी सर्कल का जीरो है. तो बी श्योर के आप रेडियस आर को इस तरीके से चूज करें कि आपके पास इतना बड़ा सेमी सर्कल बने कि वो आई और टू आई को एनक्लोज करता हो. ठीक है, ये इसके ओरिएंटेशन इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं. तो देन दिस डोमेन, देन इन पर्टिकुलर f is analytic in this domain in the interior of this curve C. Let me call this curve C. What is this curve C? This curve C is a this semicircle union this segment minus r to r. This is is analytic in the interior of C except at i and 2i पे ये एनालिटिक नहीं. तो इन पर्टिकुलर इसके अंदर तो ये डोमेन है आपके पास, इस तरह का जो ये कंटूर बनता है वो, तो इस कंटूर का इंटीरियर ये डोमेन है. तो ये फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक है एक्सेप्ट एट टू पॉइंट्स. तो दो सिंगुलरिटीज हैं इसकी, देन बोथ आर आइसोलेटेड, बोथ आर पोल्स. तो आई कैन यूज नाउ दी कॉशी रिमांस not this residue theorem. So by Cauchy residue theorem, Cauchy residue theorem, the integral of this function fz over this contour C dz has to be 2 pi I times the sum of residues of at the singularities, residue of f at I. You have only two singularities inside it, and plus residue of f at 2i. Is it okay? So now what is left to do now is that I have to compute these residues at these points. Let me call it as star. Now since this function f has simple pole at I, so the residue here has to be limit z tending to I, it has to be z minus I into f of z. Or iska simply f of z function hai, agar aap isko calculate karenge, I'm not going to calculation because ye simple hai. So it is I upon 2, or likewise aapke paas residue jo hoga, kyunki 2i pe bhi simple pole hai, to 2i pe jo residue hoga, wo bhi yahi hoga, simple z tending to 2i, it will be z minus 2i times f of z. So ye aapke paas aayega minus 3i by 4. Ye aapke paas residue aayega. Aap substitute karo in values ko equation star mein, what you will get cancel ho jayega. Aapke paas kuch i aur i aapke paas multiply hoke minus ho jayega. Denominator mein 2 common hai, 2 cancel ho jayega. तो आपके पास लेट मी राइट दिस इज इक्वल टू, तो आपके पास ये हो जाएगा 10 इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड सी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई टाइम्स इट इज आई बाई 2 एंड देन इट इज माइनस 3 आई बाई 4. सो व्हाट इज लेफ्ट टू यू इज पाई बाई 2. ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप इसको करो, यू आर लेफ्ट विद पाई बाई 2. This semicircle and another is this segment fz dz plus the another part is this segment and it is from minus r to r. I can write it as x, it doesn't have the y component, dx is equal to pi by 2. Okay, this further implies that this integral minus r to r fx dx is equal to pi by 2 minus integral CR fz dz. So let it be some equation double star. So almost we
are done. The only thing is that I have to take the limit r goes to infinity. But if I take r goes to infinity, on the right hand side I have another integral. And if I am able to prove that, I am able to establish that the integral on the right hand side goes to 0 as r goes to infinity, then my answer will be pi by 2. Okay. So that means now we have to do that, we have to prove that this integral on the right hand side goes to 0 as r goes to infinity. So let us see this. What is this function? Numerator, let's look at the numerator part. Observe this thing first. Observe that. Let's look at this modulus z4. This is the numerator of this function. F for 5z square plus 4. And this has been factored as z square plus 1 and z square plus 4. So using the triangle inequality, it is mod z square minus 1 into mod z square minus 4. This is the triangle inequality. And on the semicircle, modulus of this r is modulus of this z is r, so it has to be r square minus 1 into r square minus 4. Okay, and this is for mod z equals to r. Just give me a minute. Okay, let me begin now again. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So we have this estimate on this. Now also on the semicircle, what is this equal to? So then what happens? Consequently, this integral on CR, this integral mod of FZ DZ, this has to be less than or equal to 2 times R square plus 1 upon r square minus 1 into r square minus 4 in times you will have this integral over cr mod of dz. And but this is the arc length, and this arc length of the semicircle is its circumference, and this has to be pi r. So this has to be 2 times r square plus 1 r square minus 1 into r square minus 4 times pi r. So even if you look at this thing, if you multiply with this r in the denominator, the degree of this polynomial in the numerator will be 3, and the degree in the denominator will be 6. If you look at this, degree will be 4, and the denominator has the higher degree. And if denominator has the higher degree, then obviously as r goes to infinity, this term will go to 0 as r goes to infinity. So that means this integral will be 0. If this integral is 0, then what it implies here in this case you will have that limit r goes to infinity minus r to r fx dx is equal to pi by 2. So this is the principal value of this integral. This implies that the principal value of this integral minus infinity to infinity, this is fx, this is 2x square minus 1 upon x4
plus, what was this function? X4 plus 5x square plus 4 dx, it has the value 5 by 4. But since this function, this integral is convergent, since this integral is convergent, this principal value is equal to its value, it has to be minus infinity to infinity, 2x square minus 1, x4 plus 5x square plus 4 dx is equal to 5 by 2. And this is the way how you can compute the complex, very, very improper integrals. Sometimes very difficult improper integrals can be computed using this calculus of additives. There are other examples, there are other exercises that you can have from book, and you have to compute here, you have to apply this. You will do other techniques also, when instead of x you have trigonometric functions, how to compute such integrals. We will do that later on. And I think this is enough for today. And if you have any